Dear trainees, Assalamualaikum. Alaikum. In today's lesson, we are going to go thoroughly with QuickBooks invoices, which we have gone through in our previous lecture. But in this lesson, we are going to populate the different fields and see how an invoice is created. We have already created a number of invoices to check how the system works, but today, what we are going to do is we are going to Fill each field and try to understand what it means. Now, remember that invoices are basically bills which we sent out to our customers and clients, and therefore, they must contain all relevant information which provides them with the knowledge that this all items listed within an invoice with the specification is what they received. And of course, if you have also given a reference to their purchase order number, they can cross-reference your invoice with what they had asked for. now let us go over to quickbooks and see how it works. to create an invoice, once again we have to go to our home page or invoice create kerakarkakne. yahasheham customers i or customers invoice create in both cases, we are going to go over to the same screen. अब हमारे पास जो स्क्रीन आ गई है वो है हमारी मेन इन्वॉइस की स्क्रीन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था आपने यहाँ सबसे पहले कस्टमर चूज़ करना है रीज़न बीइंग कि कस्टमर से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त और बाद में एडिट करके उसमें डाली है वो तमाम चीज़ें यहाँ फिल हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली सो इन दिस केस लेट्स सी इफ़ वी यूज दिस पर्टिकुलर जैसे ही हमने इसमें डाला हमारे पास उसका बिल टू एड्रेस आ गया और टर्म्स आ गई लेकिन अभी हम उसे बाद में देखेंगे अगली चीज़ जो हमने करनी है वो ये करनी है कि हमने इसको इसकी डिफ़ॉल्ट इन टूट प्रोडक्ट इन्यस इस्तेमाल करनी है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम तमाम फील्ड जो भी हमारी स्क्रीन पे होती हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए इस इन टुट प्रोडक्ट इन्यस को जैसे ही हमने इन्वोक किया हमारी फ़ील्ड्स बढ़ गई बाज़ फिल हो गई और बाज खाली पड़ी हुई सबसे पहली चीज़ डेट हमारे पास आ गई अगर हम चेंज करना चाहें तो हम डेट आराम से चेंज कर सकते हैं याद रहे कि डेट में हमेशा हमारा सबसे पहले दिन आता है फिर मंथ और चार डिजिट का ये रहता है इन्वायस ऑटो फिल्ड होती है जो भी लास्ट इन्वाइस आई है प्लस वन के साथ आपको नज़र आ जाएगी या अगर आपने उसे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कैसे आएगी वो हम बाद में देखेंगे ये डोंट नीड टू फिल द इन्वाइस नंबर बिल टू एड्रेस आपने इस कस्टमर या क्लाइंट का पहले ही दिया हुआ होता है कहाँ दिया हुआ होता है आप याद करें उस लेसन में जहां हमने कस्टमर क्रिएट किए थे और उनकी तमाम रजिस्ट्रेशन में तमाम इंफॉर्मेशन डाली थी इन दिस केस शिप टू इंफॉर्मेशन इज मिसिंग बट फॉर कन्वीनियंस सेक डू इज टेक द सेम इंफॉर्मेशन एंड यूज इट एज अ शिप टू इंफॉर्मेशन हमने वही इंफॉर्मेशन शिप टू में भी डाल दी लेकिन वंस अगेन मैं आपको वही रिमाइंड करा रहा हूँ जब हमने कस्टमर बनाया था उसी वक्त हमने इसकी शिप टू की जो डेस्टिनेशन थी वो भी हमने यहाँ भर दी थी और वो इससे डिफरेंट हो सकती है मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास मुतद शिप टू इन्फॉर्मेशन हो सकती है और बिल टू इन्फॉर्मेशन वो जगह है जहाँ आप ये इन्वाइस भेजेंगे पी ओ नंबर वंस अगेन ये आपका नंबर नहीं है ये आपके कस्टमर या क्लाइंट का नंबर है जिसने आपको ऑर्डर दिया है चीज़ों के लिए या सर्विसेज के लिए हमने एज अ रेफरेंस उसका पी ओ नंबर यहाँ ज़रूर डालना है अगर आपके पास पी आया हुआ है क्योंकि वो अपने पी के साथ ही कंपेयर करेगा आपकी इन को और जैसा ही स्पेसिफिकेशन उसकी पी पे होगी वो उम्मीद करता होगा कि आपकी इन पे भी वही स्पेसिफिकेशन आए टर्म्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये सारी टर्म्स हमारे पास पहले से लिस्टेड है जब भी मैं कोई चीज़ लिस्टेड कहूँगा याद रखिएगा कि ये तमाम लिस्ट हमारे पास ऊपर दी गए मेन्यू लिस्ट में मौजूद हैं तमाम लिस्ट वेंडर कस्टमर हमारे टर्म्स एंड कंडीशन हमारी बाकी तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि टर्म्स नेट थर्टी तीस दिन के अंदर आपने ये पेमेंट करनी है ये टर्म्स आपको पहले एक दफ़ा क्लियर हमने समझा दी हुई थी लेकिन आपको फिर बता देता हूँ कि वन परसेंट टेन थर्टी का मतलब है कि अगर आपने विद इन टेन डेज ये पेमेंट कर दी तो आपको वन परसेंट का डिस्काउंट होगा इसके लिए आप वो लेसन देखें जिसमें जब हम रजिस्टर कर रहे हैं किसी कस्टमर को तो उसकी डिटेल हम वहाँ रजिस्टर करते वक्त ये सारी इंफॉर्मेशन होगी अगर इसके अलावा कोई टर्म है यू कैन ऑलवेज एड न्यू इसके बाद रेप रेप जैसे कि मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया हुआ है रेप आपका वो एजेंट है जिसको आप कमीशन दे सकते हैं या जिसको आप इग्नोलेज कर सकते हैं या जिसके अगेंस्ट सेल आप खड़ी कर सकते हैं और इसके ऊपर आप रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं कि इस बंदे की वजह से हमारी कितनी सेल हुई है अगर आपके पास ये पहले से रजिस्टर्ड है वेल एंड गुड इफ नॉट यू कैन ऑलवेज अ न्यू रेप शिपिंग डेट दिस इज इज डिफरेंट टू 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 शिप शिप द डेस्टिनेशन शिपिंग डेट इज द डेट ऑन विच योर गुड्स वज सप्लाइड जिस दिन भी आपने ये ट्रांसपोर्टेशन शुरू की है इधर उसकी डेट आएगी हो सकता है कि हमें एक से ज्यादा दिन लग जाए शिपमेंट पहुंचने में लेकिन हमने उसकी स्टार्ट डेस्टिनेशन डेट यहाँ देनी है और आपने ये इन्वाइस भेज देनी है प्रायर टू रिसीट ऑफ गुड आपने वहाँ कैसे भेजनी है ये हम आगे चल के देखते हैं वाया वाया का मतलब है कि हमने ये भेज कैसे रहें यह चंद स्टैंडर्ड यहाँ पहले से पड़े हुए हैं डी एच एल फेडरल एक्सप्रेस यू पी एस लेकिन यू कैन ऑलवेज एड न्यू आप अपना जो भी ट्रांसपोर्ट का मेथडोलॉजी है जो भी तरीकेकार है आप नए एजेंट को यहाँ डालें और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जा किसके थ्रू रही है एफ ओ बी इसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे ही एफ ओ बी की बात आती है इसका मतलब ये होता है कि हमारी ओनरशिप इन गुड्स की कब तक है और हमारे कस्टमर के क्लाइंट की ओनरशिप में ये गुड्स कब आ गए अगर हमारे प्रेमसिस से बाहर निकलते के साथ ही ये हमारे क्लाइंट के कस्टमर की ओनरशिप में आ जाते हैं और उसका फ्रेट फॉरवर्डर उसकी तमाम की तमाम चीज़ें संभाल लेता है तो हम यहाँ एफ ओ बी लिखेंगे कि ये हमारे पास निकलते के साथ ही उसकी प्रॉपर्टी हो गई है और अगर हमने इसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा के आना है जैसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में तो कहते हैं सी एंड एफ लेकिन क्विक बुक्स में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम इसको कहते हैं एफ ओ बी उसके अंडर ही हम इसको हैंडल करेंगे लेकिन क्विक बुक्स की टर्मिनोलॉजी में दोनों चीज़ें एफ के अंदर आती हैं डिस्टिंग्विश हमने खुद करना है इस केस में हम कहते हैं कि हम डेस्टिनेशन में पहुंचा के आपके पास पहुंचाने के बाद हम इसकी इनवाइस आपकी हवाले करेंगे इसकी तमाम गुड्स याद रहे कि जब हम डेस्टिनेशन पर पहुँचाएंगे तो हम पिछले लेसन में ये देख चुके हैं कि जब भी हमने ट्रांसपोर्ट या हैंडलिंग चार्जेस किए हैं हमने हमेशा अपने कस्टमर या क्लाइंट से वो क्लेम किए हैं तो जब आप इन्वाइस बनाएंगे डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के फ्रेट चार्जेस तमाम चार्जेस आपने क्लेम करने हैं और चाहें तो उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट भी लगा लें क्वांटिटी आप वो क्वांटिटी देंगे जो आप शिप कर रहे हैं अगर आप कंप्लीट शिप कर रहे हैं तो दिस शुड मैच द क्वांटिटी गिवन ऑन द पी अगर आप पार्शली शिप कर रहे हैं सो दिस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट होल क्वान्टिटी विच वॉज मैंशन ऑन द पी आइटम कोड इन दिस केस इट कैन बी एनी दैट यू सेल जो भी चीज़ आप बेचते हैं वो आप यहाँ मैंशन कर सकते हैं याद रहे कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये दोनों हेड्स आइटम कोड के और डिस्क्रिप्शन का ये अलग-अलग होते हैं यहाँ आपकी आसानी के लिए आइटम कोड में उसका नाम आ रहा है होता आमतौर पे ये है कि हर जगह कोडिंग स्कीम चलती है तमाम आइटम्स की तमाम सर्विसेज की जो कोई भी कंपनी ऑफर कर रही है और आपकी कंपनी उन कंपनी से जुदा नहीं है इसके पास भी हर सर्विस और हर प्रोडक्ट का कोई कोड होगा तो यहाँ बेसिकली उसका कोड आएगा और उस कोड से जो भी जुड़ा हुआ उसका डिस्क्रिप्शन है वो आया करेगा अगर आपने डिस्क्रिप्शन दिया है ऑटोमेटिकली वो यहाँ शो कर देगा यूनिट ऑफ मेजर अगर आपने इसके साथ एफिलियट किया है तो वो यहाँ आ जाएगा नहीं एफिलिएट किया तो नहीं आएगा प्राइस ईच ये प्राइस आपने जब डिफाइन की थी ये प्रोडक्ट अपने पास तो ये आपने उसकी प्राइस दे दी थी ये ऑटोमेटिकली वहां से फेच करके प्राइस ले आया क्लास वी आर गोइंग टू गो थ्रू क्लास इन डिटेल्स कि हम ये किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर इन वॉयस वी आर नॉट गोइंग टू इन वोक दैट अमाउंट अमाउंट आपने एंटर नहीं करना जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है ऑटोमेटिकली क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस इसकी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी ऑटोमेटिक नेक्स्ट टैक्स टैक्स वंस अगेन बता रहा है कि क्या ये आइटम टैक्सेबल है या नहीं इन दिस केस एज दिस इज अ प्रोडक्ट दिस इज अ टैक्सेबल आइटम नीचे जो आपको सेल टैक्स नजर आ रहा है ये सेल टैक्स वो है जो कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट से ऑटोमेटिकली हमने रजिस्टर करवाया हुआ है ये इसका मोस्ट ऑफन यूज सेल टैक्स नहीं है मैं आपको दोबारा से याद करा देता हूं मोस्ट ऑफन यूज सेल टैक्स डिफॉल्ट सेल टैक्स होता है लेकिन इन दिस केस दिस पर्टिकुलर सेल टैक्स इज वॉट वी हैव एसोसिएटेड विद दिस क्लाइंट इस क्लाइंट के साथ हमने ये सेल टैक्स रजिस्टर करवाया हुआ है इसलिए यहां ऑटोमेटिकली आ रहा है इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट यू कैन ये हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पत्थर पर लकीर नहीं है यू कैन चेंज इट चेंज की क्या जरूरत पड़ गई क्लाइंट यही है शिप टू डेस्टिनेशन अब कहीं और हो गई है उस क्लाइंट की उसने कहा है कि ये मुझे शिप कर दें फ़लानी जगह और जब आप कोई चीज़ फलानी जगह शिप कर रहे हैं तो उस पर टैक्स रेट फर्क हो गया तो डिफॉल्ट टैक्स जो उसके साथ हमने एसोसिएटेड है वो आप चेंज कर सकते हैं जैसे ही आपने यहाँ सेल टैक्स चूज़ किया या ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड सेल टैक्स आया उसने सेल टैक्स कैलकुलेट कर दिया आपका टोटल दिखा दिया इसमें पेमेंट सप्लाइड ये अलहदा चीज़ है ये हम अभी चंद लेसनों के बाद डिस्कस कर लेंगे आपका टोटल इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई है अब आप कस्टमर को अगर कोई मैसेज देना चाहे तो आप ये लिस्टेड मैसेजेस हैं जिनमें से आप जो चाहें वहाँ अटैच कर सकते हैं लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद ना आए तो आप अपना नया मैसेज ऐड कर सकते हैं तो हमने यहाँ एक कस्टमर को मैसेज जो कि इस बिल के ऊपर इस इन के ऊपर प्रिंट होगा इसके अलावा अगर आप छोटा सा मेमो लिखना चाहें यू कैन अटैच दैट मेमो इज वेल कस्टमर टैक्स कोड दिस कस्टमर इज टैक्सेबल कस्टमर्स हु आर नॉट टैक्सेबल के लिए यहाँ नॉन आ रहा होगा इन दैट केस कोई भी सेल टैक्स इस पे कोई असर नहीं करेगा इफ यू चेंज दिस कोड टू नॉन आप देख रहे हैं कि ऊपर भी नॉन हो गया गो यहाँ 4.8 परसेंट सेल टैक्स कटना था लेकिन वो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कस्टमर टैक्स कोड ओवर रूल्स ऑल अदर टैक्सिस विच है जब भी आपने यहाँ से वो चेंज करना है तो ये तमाम चीजें उसको ओवर रूल कर देगा इन दिस केस दिस इज बेसिकली अ टैक्सेबल क्लाइंट इसलिए हमने इसे टैक्स रहने दिया है अब हमारी इन वॉयस कंप्लीट है और इसमें आपको अब क्लियरली समझ में आ गया है कि क्या क्या फील्ड्स क्या क्या काम करती हैं इसको हम सेव करते हैं और इसको सेव करके हम बाहर आ जाते हैं इन कंक्लूजन नाउ वी नो हाउ टू क्रिएट एन इन वॉयस एंड वी अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट फील्ड अवेलेबल ऑन एन इन वॉयस फॉर दिस पर्टिकुलर इन वॉयॉयस वी हैड यूज द प्रोडक्ट टेम्पलेट ऑफ द क्विक बुक्स लेकिन आप इसमें दूसरे सर्विस के भी जो टैम्पलेट मौजूद हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई अपने पसंद का नया टेम्पलेट बना के भी सेव करके उसे रिकर्सिवली यूज़ कर सकते हैं सो फार इन दिस प्रोडक्ट इन वी कवर्ड ऑल द फील्ड्स ये एक मेन रीज़न थी कि आपको इसमें तमाम फील्डें नज़र आ गई जो कि एक इन में मौजूद होती हैं आप जो फील्ड रखना चाहेंगे वो रखें जो आप हटाना चाहेंगे वो हटा के अपनी पसंद का टेम्पलेट बनाएं वो हम अगले लेसन्स में देखेंगे दैट्स ऑल फॉर नाउ